देख रहे हैं एसपीएनआई न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, जी हां, फिर से यूपी के नए सीएम के तौर पर पद की शपथ लेने वाले हैं। आज शाम 4 बजे महा शपथ ग्रहण होने वाला है और एक से बढ़कर एक सितारों को इन्विटेशन दिया गया है, न्योता दिया गया है। कौन शामिल होंगे, कौन नहीं होंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन जो सिरे से खारिज कर दिया है, जो इनकार कर दिया, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि यूपी में फिर से जो है इतिहास बदली है और फिर से योगी की एक बार सरकार बन रही है, जिसका शपथ ग्रहण समारोह आज होने वाला है। सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक जो है न्योता दिया गया, अखिलेश यादव से लेकर मायावती के साथ साथ जो मुलायम सिंह तक को न्योता दिया गया, फोन कर दिया गया है, लेकिन अखिलेश यादव ने सिरे से खारिज कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम तो नहीं जाएंगे। लेकिन देखना ये होगा कि 3 दशकों से खोया हुआ वजूद लौटाने के लिए जिन्होंने ताकत लगाई, जिन्होंने पूरा जान झोंक दिया, क्या सोनिया गांधी सीएम पद के शपथ समारोह में क्या हाजिरी देंगी, क्या वहां शामिल होंगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सितारों के लिस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो लोगों की निगाहें रहेंगी कि पॉलिटिकल तौर पर विपक्ष के नेता क्या सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी वहां मौजूद रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से हार की खाई भरी है, जिस तरह से सदमे में अभी तक कांग्रेस डूबा हुआ है, उससे उभरने में बहुत टाइम लग रहा है। अब देखना यही होगा कि आज एक तरफ योगी जी शपथ लेंगे, आज दूसरी पॉलिटिकल राजनीति तौर पर होली मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, तमाम दिग्गज वहां मौजूद होंगे मंच पर, लेकिन क्या देखना होगा कि जिस विपक्षी दलों को न्योता दिया गया है उसमें से कौन कौन मौजूद होंगे। हर एक अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हमारा कुछ ही क्षणों में एसपीएनआई न्यूज से लाइव सेशन भी होगा, उसमें भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि योगी के मंत्रिमंडल में किसको नई जगह मिली है और कितने उपमुख्यमंत्री हैं। फिलहाल इतना ही, बाय, एसपीएनआई न्यूज, नमस्कार।